क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर बात करता है। Amen. अगर आप नहीं पढ़ रहे हो वचन, तो आप वचन पढ़ना चालू करो। ये जो वचन है, वो बाइबल में जो वचन है, वो परमेश्वर ने अपने अपने लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए वचन है। ये कोई पुस्तक नहीं है। Amen. बाइबल जो है सिर्फ पुस्तक नहीं है मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा कई लोगों ने लिखा हुआ वचन है। हालेलुया। Amen. ये ऐसा ही वचन नहीं है और हम लोग ऐसे ही उसे पढ़ना नहीं है मेरे प्यारों, उसको हम बराबर से ध्यान से पढ़ना है। Amen. हालेलुया। ताकि कोई कोई संकट आए, कोई बीमारी आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई गलत सिचुएशन आए, उस समय पवित्र आत्मा हमें ये वचनों को याद दिलाएगा और हम उसको घोषणा करेंगे तो वो परिस्थिति से हम लोग बाहर आ जाएंगे, या उस बीमारी से आप चंगे हो जाएंगे, या संकट से हम बाहर आएंगे। इसीलिए हमें वचन पढ़ना ही है और पढ़ के उसके अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। क्योंकि वचन के खाली हम सुनने वाले रहेंगे तो काम नहीं होगा, तो वचन के अनुसार चलने वाले लोग भी हमें बनना है मेरे प्यार। आमेन। हालेलुया। अब लूक इसका पहला अध्याय में जाएंगे। लूक इसकी पहला अध्याय उसके 26 से 28 वचन में जाएंगे। लूक फर्स्ट चैप्टर 26-38। लूक पहला अध्याय 26-38 वचन। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्ग गैब्रियल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांच कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। और वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपना दूत जिब्राइल को एक नासरत की एक कुवारी के पास भेजा, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी। हालेलुया। और ये जो इब्राहिम है वो उसके पास गया और उसने कहा कि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, तू डर मत, तू घबरा मत, तेरे द्वारा एक पुत्र होगा, तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा और वो बहुत महान होगा, वो परम प्रधान का भी प्रधान होगा और वो दाऊद की गद्दी पे सिंहासन पे राज करेगा। और ये सारी बातें
जिब्राइल ने परमेश्वर के वचन को लेके मरियम तक पहुंचाया। हालेलुया। अगर उस वक्त अगर कोई महिला बिना शादी के गर्भवती रहती थी तो नियम के अनुसार उसे गांव के बाहर ले जाकर उसे पत्थर मारते थे, पत्थर इतना मारते थे जब तक वो मर ना जाए। हालेलुया। भयानक परिस्थिति थी, लेकिन मरियम जो थी वो जिसने वचन को लिया और उसके अनुसार किया। हालेलुया। वचन कहता है जिब्राइल देवदूत ने उसको कहा, जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसे कहा कि तू डर मत, तू घबरा मत, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर भी हमें रोज और रोज यही कहता है कि तू डर मत, तू घबरा मत, तेरा युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। अभी पास्टर साहब ने एक शब्द बोला कि तुम चुपचाप रहो, खड़े रहो और जानो कि परमेश्वर है। हालेलुया। हमें कुछ नहीं करना है, जो परमेश्वर का वचन है उसे हमें लेना है, चाहे आजू बाजू की परिस्थिति गंभीर हो, चाहे आजू बाजू की परिस्थिति भयानक हो, चाहे आजू बाजू की परिस्थिति हमारे विरुद्ध दिशा में हो, लेकिन हमें क्या करना है मेरे प्यारों, परमेश्वर ने जो कहा है उसे हमें, उस वचन को हमें याद करना है और हमें स्थिर खड़ा रहना है। आमीन। ये औरत ये जो एक दिन का ये एक दिन की छिपने वाली चीज नहीं थी। अगर गर्भवती महिला रहती है तो उसे 9 महीने पेट में वो बच्चे को पालना पड़ता है, तो सभी के नजर में वो सारी चीज आ जाती है। तो ये 9 महीना ये मरियम ने उस बच्चे को अपने पेट में पाला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। आमीन। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है मेरे प्यारो, तो हम पर कोई भी मुसीबत नहीं आती है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए हमें पहले उसके वचन को अपने पास स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ये मरियम ने आजू बाजू की परिस्थिति नहीं देखी, वो घबराई नहीं, उसने ये नहीं सोचा अरे बाबा अभी मैं गर्भवती रहूंगी और मेरी शादी भी नहीं हुई है तो मैं कैसे गर्भवती होंगी और बाकी के लोगों को समझेगा, वो मुझे मार डालेंगे। उसे मरने का डर नहीं था मेरे प्यारों, उसे सिर्फ एक एक पता था कि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है। हालेलुया। और उसका लूक की पहला अध्याय और 37 वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 1:37, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है जो जिब्राइल ने उसको कहा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। हालेलुया। बाइबल की सारी जो वचन है जो हमारे लिए है वो प्रभावशाली है मेरे पे। अगर आप रोज वचन पढ़ते हो तो वो जो वचन आपने पढ़ा है वो आपके लिए प्रभावशाली होता है। हालेलुया। वो प्रभाव रहित नहीं होता है तो प्रभावशाली होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का हर एक वचन प्रभावशाली होता है मेरे प्यार। हालेलुया। प्रभावशाली मीन्स क्या है, प्रभावशाली मीन्स सामर्थ होता है उसमें। हालेलुया। सामर्थ होता है, चित्त चमत्कार करने का सामर्थ होता है, जीवन को बदलने का सामर्थ होता है, परिस्थिति से बाहर निकलने का सामर्थ होता है, संघर्ष से बाहर निकलने का सामर्थ होता है मेरे प्यार। लेकिन हमें उसके लिए हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है और उस वचन के अनुसार चलना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। और यही मरियम ने किया मेरे प्यार। अगर मरियम ने कहा होता कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसमें नहीं जाना है, तो दूसरी किसी और को चुना जाता था। हालेलुया। लेकिन मरियम ने वचन को ग्रहण किया मेरे प्यार। हालेलुया। वचन ही हमें हर एक परिस्थिति से बाहर निकालता है मेरे प्यारो। आपने जिन जिन लोगों ने परमेश्वर का अनुभव लिया है, जिन जिन लोगों ने वचन को ग्रहण करके स्वीकारा है, और आपके आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए थे मेरे प्यारो। ये क्यों है मेरे प्यारो, क्योंकि आपने वचन को ग्रहण किया और आपने निश्चय किया कि मैं वचन के अनुसार ही चलूंगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके लोगों में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए मेरे प्यार। हमारी जो परिस्थिति थी, बिगड़ी हुई परिस्थिति, परमेश्वर के अनुसार जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगे, परमेश्वर ने उस बिगड़ी हुई परिस्थिति को बदल दिया मेरे प्यार। वो जो बिगड़ा हुआ काम था उसे परमेश्वर ने अच्छा किया।
जो बिगड़ा हुआ परिवार था, बिखरा हुआ परिवार था, परमेश्वर उस परिवार को फिर से एक किया है, उसके प्रेम से जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने, आपने, हमने यही निश्चय किया कि हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, वचन का पढ़ेंगे और वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। ये मरियम ने भी वही किया और इसलिए उसके द्वारा परमेश्वर जगत का उद्धारक उसके उनके द्वारा उसके गर्भ के द्वारा आया मेरे प्यार। हालेलुया। और अगर हम वचन नहीं सुनते हैं या वचन के विरुद्ध में जाते हैं मेरे प्यारों, तो उत्पत्ति की पुस्तक में जनेसिस में 19 अध्याय से हम आगे पढ़ते हैं तो सदम और गमोरा का नाश वहाँ पे लिखा है मेरे प्यारों। और ये जो और उसमें लूत की कहानी है, जो लूत जो था उसकी वाइफ, उसकी दो बेटियां और उसके दो दामाद जिनकी मगनी हुई थी वो रहते थे, और लूत जो था वो धार्मिक था और परमेश्वर ने उस लूत की वजह से वो सदम का नाश करना रुकवा दिया था, क्योंकि लूत जो था वचन के अनुसार चलने वाला था, परमेश्वर से भय रखने वाला था, उसके लिए परमेश्वर ने उस सदोम का नाश करने का रुकवा दिया था। और अचानक एक दिन स्वर्गदूत आए और उन्होंने कहा कि लूत अभी उठ, तेरी पत्नी, तेरी जो बच्चिया है, तेरे जो दामाद है उनको लेके तू यहाँ से जल्दी से भाग ले, क्योंकि परमेश्वर ने आज इस नगर का, इस सदोम का नाश करने का ठाना है। और लूत जो था वो थोड़ा सा ये हो रहा था, निकलो नहीं निकलो, क्योंकि उसके दामाद उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे और वो जो चाहता था कि मेरे दामाद, लेकिन कुछ कारणों के वजह से वो दामाद नहीं आए। उसकी लूत की पत्नी और उसकी दो बेटियां उनको उन दूतों ने बाहर निकाला, लेकिन बाहर जाने से पहले उनको एक आज्ञा दी, अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम जोर से भागना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है और तुम्हें पीछे मुड़ना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन स्वर्गदूत से उसके लिए आया था मेरे प्यारों, वो स्वर्गदूत से वचन पाके लूत उसकी पत्नी दोनों बेटियां वहां से भाग निकली, और जैसे वो भाग निकले जो जा रहे थे अचानक लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, और जैसा उसने पीछे मुड़ के देखा वचन में ऐसा लिखा है, आपण ज्या व्यक्ति सोबत बोलत आहात त्या व्यक्ति ने आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाइन वर रहा। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज, हाँ, जैसे ही लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा मेरे प्यारों, वचन ऐसा लिखा है वचन में जनेसिस का उत्पत्ति का 19 अध्याय और 26 वचन में, वो जैसा ही उसने पीछे मुड़ के देखा वो नमक का खंबा बन गए मेरे प्यारों। हमें जब परमेश्वर आज्ञा देता है, जब हमें परमेश्वर वचन देता है, तो हमें सिर्फ उसके वचन का पालन करना है मेरे प्यार। आगे बाएं पीछे दाएं बाएं हमें मुड़ना नहीं है, परमेश्वर का वचन ने अगर ने कहा है कि हमें जाना है तो हमें जाना है मेरे प्यारों, हमें वचन आया है हमें ये करना है तो हमें ये करना है मेरे प्यारों। ये लूत की वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा और वो जो थी लूत की वाइफ वो मिर्च नमक का खंबा बन गई। इसलिए मेरे प्यारो हमेशा परमेश्वर जो कहता है, वचन जो कहता है उसे हमें मानना है, क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा मानने से या वचन को मानने से हमारी कोई भी हानि नहीं होती है। अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं मानते हैं तो हमारी हानि हो सकती है, या अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं तो हमारी हानि होगी, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर का वचन मानेंगे मेरे प्यारो तो हमारी हानि कभी नहीं होगी मेरे प्यारो। हालेलुया। क्योंकि वचन जब हम सुनते हैं, याकूब की पत्री में हम लोग जाएंगे, याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय इसका 22 वचन, याकूब का पत्र पहला अध्याय 22 वचन, जेम्स फर्स्ट चैप्टर 22 वर्स, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन। हालेलुया। हमें वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं तो वचन के वचन पर सुन के उसके ऊपर चलने वाले लोग बनना है मेरे प्यारों। हालेलुया। क्योंकि उससे हानि मेरी नहीं होगी लेकिन हानि हम
हमारी होगी मेरे प्यारो। हालेलुया। फिर हो कि तो हम लोग वचन पढ़ते हैं और उस पर चलते नहीं है या उस पर अमल नहीं करते हैं, सिर्फ सुनने वाले बनते हैं, काम करने वाले नहीं बनते हैं, तो हमारी हानि होगी। मीन्स हम लोग धोखा खुद को ही धोखा दे रहे हैं, खुद को ही गड्ढे में हम लोग गिरा रहे हैं, खुद को ही हम कंकड़ में डाल रहे हैं, खुद को ही हम परेशानी में डाल रहे हैं, खुद को ही हम बीमारियों में डाल रहे हैं। हालेलुया। हम खुद ही अपने ऊपर परिस्थिति को आने देते हैं अगर हम सिर्फ वचन सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते हैं। अगर परमेश्वर ने कहा है तो ये नहीं करना है तो हमें नहीं करना है मेरे ख्याल। अगर हम लोग वो बातें करते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं। हालेलुया। हम किसी को धोखा नहीं देते हैं, ना तो हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, ना तो हमारी पत्नी को या पति को या बच्चे को धोखा देते हैं, हम खुद को ही धोखा देते हैं। क्यों धोखा देते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। हम बहुत बार कहते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वचन कहता है कि हमें वचन पढ़ के या वचन सुन के हमें वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। अगर हम वचन के अनुसार करते हैं या वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय 23 वचन में, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। आमीन। अगर हम सही में प्रभु यीशु मसीह पे प्रेम रखते हैं तो हम उसके वचन को मानेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं मानेंगे। मानेंगे मीन्स उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वो वचन को करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ते हैं कहाँ से हम लोग सुनते हैं, तो उसके अनुसार हमें काम करना है, उसके अनुसार हमें चलना है मेरे प्यारों। सिर्फ सुनने वाले मत बनो, सिर्फ पढ़ने वाले मत बनो, तो ये सुन के पढ़ के उसके अनुसार चलने वाले लोग हमें बनना है मेरे। हालेलुया। क्योंकि क्या होता है, जब जब संसार की बातों में हम लोग फंस जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, समझौता करते हैं। अरे ठीक है ना भाई, थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा उधर जाके पार्टी मनाते हैं, चलना आज संडे तो पिकनिक मनाने जाते हैं। हालेलुया। समझौता करते हैं। वचन से कभी भी समझौता मत करो मेरे प्यार। अगर हमें रविवार को या गुरुवार को या बुधवार को या शुक्रवार को परमेश्वर को टाइम देना है तो वो टाइम जो है वो परमेश्वर का है मेरे प्यार। चुराओ मत। हालेलुया। उसे चुराओ मत, क्योंकि वचन में लिखा है कि ये जो शैतान है वो हमारे पास आता है क्योंकि वो हमसे क्या करता है, चुराता है। क्या चुराता है? हमारा टाइम चुराता है। कैसा चुराता है? वो हमें संसार की अभिलाषा में लेके जाता है। चलना ये यहाँ पे जाना, कितना मजा है, देखो अभी पिकनिक में जाएंगे, क्या क्या खाएंगे, कैसे कैसे करेंगे, कितना मजा करेंगे, और तू अकेला रहेगा, कैसा दिखेगा, चल तू एक बार एक संडे को दांडी मारो तो कुछ नहीं होता है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, तुमको आशीष देगा, एक संडे नहीं गया तो चलता है। नहीं नहीं मेरे प्यारों, परमेश्वर का जो समय है वो समय परमेश्वर को दो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को समय देंगे मेरे प्यारों तो ही परमेश्वर हमें आशीष देगा। जब हम वचन हम संडे में चर्च क्यों जाते हैं या शुक्रवार को संडे कुर्स में क्यों जाते हैं या महिला मीटिंग में क्यों जाते हैं, वहां पे कोई ना कोई हमें वचन पढ़ाता है। हालेलुया। और वो वचन कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाया जाता है। हालेलुया। और हमें वो वचन जो है वो तोड़ता है, मोड़ता है और वो हमें बनाता है मेरे ख्याल। हालेलुया। आप पिकनिक में जाएंगे, ये अच्छी अच्छी बातें कोई नहीं सिखाएगा, ये समृद्धि की बातें, ये उन्नति की बातें, ये जीवन देने वाली बातें आपको पिकनिक में नहीं सुनाई देंगी, पिकनिक में कोई नहीं बोलेगा, या उस क्लब में कोई नहीं बोलेगा, या पार्टी में कोई नहीं बोलेगा। हालेलुया। ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी? कलीसिया में मिलेगी। कलीसिया से आपको वचन मिलेगा, कलीसिया को आपको उद्धार मिलेगा, कलीसिया को आपको उन्नति मिलेगी। कहाँ से? जब हम वचन पढ़ेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तब ये सारी चीजें हमें मिलेंगी मेरे प्यारो। नहीं तो हमारी सारी संसार की जो चीजों में हम फंस जाते हैं। वचन कहता है पहला यूहन्ना का 2:17 वचन में लिखा है मेरे प्यारो, संसार की सारी बातें मिटते जाते हैं मेरे प्यारो।
सारी बातें ये संसार की जो पार्टी हम लोग मनाते हैं, पिकनिक जो मनाते हैं, खाना जो खाते हैं, मजा करते हैं, परमेश्वर से वचन के विरुद्ध में जाके मजा करते हैं, ये सारी चीजें मिट जाने वाली है मेरे प्यार। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे वचन, पहला योहन्ना दूसरा अध्याय 17 वचन, पहला योहन्ना दूसरा अध्याय 17 वचन, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमेन। हालेलुया। संसार की बातों में, संसार की अभिलाषाओं में हम लोग अगर खो जाते हैं, ज्यादा काम ओवर टाइम परमेश्वर के वचन को छोड़ देना या परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं, आज हम लोग फंस गए हैं, आज हम ये हो गए, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, आज बहुत ही ये हो रहा है वो हो रहा है, आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा मत करो मेरे प्यारो। वचन आपको सामर्थ्य देता है मेरे प्यारो। संसार के अभिलाषाओं में मत जाओ, संसार की अभिलाषा एक दिन मिट जाएगी, लेकिन जो वचन है, जो वचन है वो कभी मिटता नहीं है। तो वचन पर जो लोग चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर जो लोग चलते हैं, वो सर्वदा बना रहेंगे। हालेलुया। बना रहेंगे क्या है मेरे प्यारो, आपका घर बना रहेगा, आपका परिवार बना रहेगा, आपके बच्चे बना रहेंगे, आपकी पति पत्नी बना रहेंगी, अपना आपका नौकरी है वो बना रहेगी, आपका बिजनेस जो है वो बना रहेगा, आपकी सारी चीजें परमेश्वर बनाएगा मेरे प्यारो। वो बना रहेगा, वो टूटेगा नहीं, वो बिखरेगा नहीं, वो आपसे दूर नहीं होगा। क्यों नहीं दूर होगा? क्योंकि आप जो है वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हो, परमेश्वर की इच्छा के इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति हो, इसलिए वो आप बना रहेंगे मेरे प्यारो। हालेलुया। अगर आप संसार की अभिलाषा में अभी भी है मेरे प्यारो, उस संसार की अभिलाषाओं से आपने आपको दूर करना सीखो मेरे प्यारो। कठिन है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा के मदद से ये संसार की अभिलाषा से हम दूर बाहर आ सकते हैं मेरे प्यारो। अगर आप चाहते हैं आपका घर बना रहे, आपके बच्चे बना रहे, आपका नौकरी बना रहे, आपके बिजनेस बना रहे, व्यवसाय बना रहे, तो आपको वचन वचन और वचन के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलना है मेरे प्यारे। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कह रहा है मेरे प्यारे। हालेलुया। जितने लोग इस वचन को लेंगे उनका कल्याण होगा। हालेलुया। इसके पीछे जितने भी वचन आए हैं मेरे प्यारो, जितने भी वचन आपने सुने हैं, जो जो लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं मेरे प्यारो, वो जिंदगी में हर समय हर पल बने रहेंगे मेरे प्यारो। हालेलुया। ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, ये वचन जो है पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है। हालेलुया। जो लेंगे वो आशीष पाएंगे, वो उनका घर बना रहेगा मेरे प्यारो। हालेलुया। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये संसार की अभिलाषाओं में मत पड़ो, ये सब थोड़ी देर के लिए क्षणिक है, थोड़ी टाइम के लिए है, ये निकल जाएंगे, आपको बर्बाद करेंगे, आपका घर बर्बाद होगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, व्यवसाय अच्छी तरह से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। अगर वचन बोल रहा है ये नहीं करना है तो मत करो मेरे प्यारों। इसमें सुख नहीं है, थोड़ा सा सुख मिलेगा, थोड़े टाइम के लिए सुख मिलेगा और बाकी का बर्बाद हो जाएगा मेरे प्यारे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर ही हमें भरोसा रखना है मेरे प्यारो। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। क्यों चलना है? इसका 11 और 3 वर्ष में हम लोग पढ़ेंगे, इब्रियों का पत्र 11 अध्याय 3 वचन, इसमें लिखा है, विश्वास जी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आमेन। हालेलुया। किसके द्वारा? सृष्टि की रचना है, ये सृष्टि की रचना है वो सिर्फ वचन और वचन के द्वारा ही हुई है। हालेलुया। आमेन। हम भी वचन के द्वारा ही बनाए गए हैं। हालेलुया। हमें भी बनाने वाला पिता पुत्र और पवित्र आत्मा था, उन्होंने बोला और हम लोग बनाए गए मेरे प्यारे। हालेलुया। सब कुछ जो है
पृथ्वी के ऊपर उसमें जो चीजें हैं वो सारी चीजें परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाई गई है मेरे पैरों। वचन बोला गया और सारी सृष्टि बनती गई मेरे पैरों। हालेलुया, इतना वचन में सामर्थ है। हालेलुया, आप जब बोलेंगे, जब हम लोग घोषणा करेंगे, हम अपना हमारे जीवन में अद्भुत काम देखते हुए देखेंगे मेरे पैरों। परमेश्वर के अद्भुत काम हम देखेंगे। कब देखेंगे? जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम वचन पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, तब देखेंगे मेरे प्यारे। हालेलुया, वचन ही हमारे लिए सब कुछ है मेरे प्यारे परम लोगों। वचन के ऊपर ही ध्यान लगा, वचन में ही बने रहो। हालेलुया, यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही वाइन है और हम उसके क्या है, ब्रांचेस है। हालेलुया, अगर उस वाइन से, उस झाड़ से हम निकल जाएंगे तो हम लोग किसी काम के नहीं रहेंगे और हम जलाने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। तो हमेशा वचन में ही बने रहो मेरे प्यारो। प्रभु की, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा है उसके ही अमल करो। हालेलुया, लोग कहेंगे यार क्या में जा रहा है, क्या तू कर रहा है, लोगों को बोलने दो। हालेलुया, लोग हमें जीवन नहीं दे सकते हैं, लोग हमें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते हैं। स्वर्ग में एक ही लेके जाएगा, हमारा प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, लेकिन उसके पहले हमें परमेश्वर के वचन पर अमल करके चलना है मेरे प्यारे। हालेलुया, और ये जो वचन है हमें विश्वास में और अधिक बढ़ाता है मेरे प्यारो। ये जो वचन है, हमारी आत्मिक और शारीरिक मानना हमें उस वचन के द्वारा मिलता है मेरे प्यारो। हमें समझदार बनाने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए काफी है मेरे प्यारो। कैसा बोलना है, कैसा चलना है, वो सब कुछ हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। हालेलुया, लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लगाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। हालेलुया, मैं कहता हूँ वो पैसा छोड़ दो, वहाँ पे मत जाओ। आप रोज वचन पढ़ना सीखो, रोज वचन पढ़ो और उसके अनुसार अमल करके देखो, फिर देखो आप बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान हो जाएंगे। लोग आश्चर्य करेंगे कि तू ऐसा कैसा बोल रहा है, ये तो कोई बुद्धिमान भी नहीं बोल सकता है, उससे भी ज्यादा बढ़कर तू बोल रहा है। हालेलुया, कौन हमें बुद्धिमान बनाता है, कौन हमें अच्छा बनाता है? वचन हमें बुद्धिमान बनाता है मेरे पे, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया, वचन में जीवन है मेरे प्यारो। हालेलुया, और वचन हमारे जीवन में शांति और आनंद लेके आता है मेरे प्यारो। वचन हमें अधिक युद्ध जीतने में ताकत देता है मेरे प्यारो। हालेलुया, अगर हम मत्ते की चौथा अध्याय उसे 1-10 वचन पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह शैतान से बात कर रहा है, उसकी परीक्षा शैतान ले रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ वचनों से ही उस शैतान को हरा दिया मेरे प्यारो। कुश्ती नहीं हुई है, प्रभु मसीह की और शैतान की कुश्ती नहीं हुई है। हालेलुया, आप पढ़ो वो वचन, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वचन से ही हराया है। हालेलुया, अगर आप युद्ध में है, हम सभी लोग युद्ध में है, अगर आपको युद्ध जीतना है तो हमें हर एक वचन पता होना चाहिए मेरे प्यारे, तभी हम लोग युद्ध जीत सकते हैं। हालेलुया, तभी हम लोग जय पा सकते हैं। हालेलुया, हमारे घर में प्रॉब्लम थे, उस प्रॉब्लम को कैसा बाहर निकालना है उसके लिए भी वचन थे मेरे प्यारे लोगो। वो वचन हमें जब बोलेंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और उस परिस्थिति से हमें बाहर निकालेंगे। हालेलुया, वचन सब कुछ है मेरे प्यारे, वचन परमेश्वर है, वचन जीवन है, वचन आनंद है, वचन शांति है, वचन प्रेम है, वचन मेल मिलाप है, वचन ज्ञान बुद्धि है मेरे प्यारो, वचन सब कुछ है मेरे प्यारो। हालेलुया, हमें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो रोज किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, ओ ब्रदर अभी देखो ये हो गया है, आप प्रार्थना करो। हालेलुया, हमें रोज जब हम लोग वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमें पता चलेगा और जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु परमेश्वर अपना कार्य करेगा और वहां पे हमारे घर में या परिवार में या आजू बाजू के लोगों में
परमेश्वर का करना चालू कर देगा। हालेलुया, वचन को जानो। हालेलुया, सिर्फ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अभी कहोगे और बाद में भूल जाओगे, ऐसा करोगे तो उन्नति नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी। वो वचन के अनुसार हमें चलना है मेरे प्यारों। मैंने परमेश्वर ने ये साल चालू होने से पहले मुझे वचन दिए थे, यहोशू 6:12-20 वचन, वहां पे लिखा था जय जयकार करो क्योंकि मैंने तुम्हें ये देश दिया हुआ है। हालेलुया, और मैं रोज और रोज उसकी घोषणा करता हूँ और मेरे जीवन में मैं जय पाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको जय पाना है तो वचन का कन्फेशन, वचन की घोषणा करना चालू करो मेरे प्यार। जो आप वचन पढ़ते हो रोज, उसे सुबह शाम रात दिन जब जब वो दिन के लिए पूरा वो वचन को घोषणा करते चले जाओ, घोषणा करते चले जाओ। मैंने क्या पढ़ा है आज, मैंने क्या पढ़ा है, उसे याद करो और ऊपर चिंतन मनन करो और उसे करो मेरे प्यार। हालेलुया, परमेश्वर उतर के आएगा और आपके लिए काम करेगा। हालेलुया, यहोशु बहुत बलवान नहीं था, यीशु बहुत ये नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को, वचन को माना और उसके अनुसार चला। परमेश्वर जो यरियो की दीवार थी जो कभी टूटने वाली नहीं थी, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। कब करेगा? जब हम लोग वचन के अनुसार चलेंगे मेरे प्यार। आमीन। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, वी गिव अ प्रेज माय गॉड एंड माइटी होली गॉड, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, ओ परमेश्वर आपका वचन ही सामर्थ्य है मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ परमेश्वर किसी में सामर्थ्य नहीं है लेकिन आपके वचन में सामर्थ्य है क्योंकि आप वचन में निवास करते हो मेरे प्यारे परमेश्वर। जब आपका वचन आता है मेरे प्यारे परमेश्वर तो मेरे प्यारे परमेश्वर ये भक्ति मेरे पहुंचे हिल जाती है मेरे प्यारे परमेश्वर। परमेश्वर जो सागर में वो हिल जाते हैं मेरे परमेश्वर, सागर में मेरे परमेश्वर मेरे पहुंचर और मेरे पहुंचर तूफान आ जाता है। आपके वचन में मेरे प्यारे परमेश्वर जब आप वचन बोलते हो मेरे प्यारे परमेश्वर तो सागर भी थम जाता है, थम जाती है मेरे प्यारे परमेश्वर। इतना आपके वचन में सामर्थ्य है मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह वही वचन मेरे पहुंचे हम आज हम भी लेते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर और हम कहते हैं कि आपसे हम वचन के अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे और वचन पढ़ेंगे सीखेंगे और उसके अनुसार हम काम करेंगे मेरे प्यारे परमेश्वर। क्योंकि वचन में बसने वाले परमेश्वर आप खुद हो मेरे प्यारे परमेश्वर। तो परमेश्वर हमें क्षमा कीजिए अगर हम मेरे परमेश्वर वचन पर नहीं चले मेरे प्यारे परमेश्वर। हमें क्षमा कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर, हमने वचन पढ़ा, हमने वचन छुना लेकिन उसके ऊपर हम चले नहीं, उसके लिए हम क्षमा मांगते मेरे प्यारे परमेश्वर। क्योंकि वचन जो जो वचन पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो बना रहता है, आपका वचन है मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु हमें आप में बनना है मेरे प्यारे परमेश्वर, आप में बनना है, हमारा परिवार हमारा सब कुछ आप में बनाना है मेरे प्यारे परमेश्वर। इसलिए हमें वचन के अनुसार चलने वाले लोग बनाइए मेरे प्यारे परमेश्वर। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे प्रभु आप अद्भुत काम करेंगे, अद्भुत जीवन में चमत्कार करेंगे, अद्भुत हमारे जीवन में कार्य करेंगे और लोग कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित होता है मेरे प्यारे परमेश्वर। आप हमें सहायता दीजिए, कृपा दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर, हमारे कलीसिया को आशीषित कीजिए, कलीसिया के लोगों को आशीषित कीजिए। वचन कितना महत्वपूर्ण है, वचन के अनुसार चलना कितना महत्वपूर्ण है ये हमें सिखाइए मेरे प्यारे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आप आइए और हमें सिखाइए प्यारे पवित्र आत्मा। वचन कितना महत्वपूर्ण है, वो आपको धन्यवाद से स्तुति करते हैं और सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे यीशु के नाम से। आमीन।